हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे, एंड हैप्पी टू ऑल ऑफ़ यू ऑन मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के इंटर लेवल मेंस के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाला है, जो क्या है आपको उम्र सीमा को लेके है। तो आइए देखते हैं क्या उम्र सीमा। आप लोग स्क्रीन शॉट को अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस पीडीएफ को, तो जिसमें ये साफ साफ यहाँ पे लिखा क्या गया है। आइयो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर 23/1/2006 से निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जिनका एज या तो ज़्यादा हो रहा था या तो कम हो रहा था। तो लगभग 1 से 2 हज़ार, कह सकते 2 हज़ार से ज़्यादा भी स्टूडेंट पे ये इसका असर देखने को पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग, ये 5/2/2016 को ही इसका अपडेट दे दिया गया था, ठीक है, जो कि विजय कुमार राय एवं अन्य बिहार राज्य एवं अन्य के बिहार एसएससी के अगेंस्ट में जो ये लोग केस किए थे, जिसमें ये साफ साफ स्पष्ट किया गया था। तो आशा करता हूँ कि पॉजिटिव है सब कुछ हो और कोई ना छटे, ठीक है फ्रेंड्स। और उन लोगों के लिए ये बुरी खबर होगी जो कि बाहर हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपडेट है आपको पीसीएस 2019 के लेके। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिंदा जी इस फोरम YPC के माध्यम से अन अकेडमी से एसोसिएट हो चुका है। तो आइए उसके कुछ फीचर्स है जिसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अन अकेडमी आप लोगों को डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस एंड रिवाइजेशन, लर्न एनी टाइम एनी वेयर के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे फ्री प्लान कोर्स लाया है, जो कि आप लोग सब्सक्राइब करके और पेड कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। लेकिन फ्री प्लान में आपको तो वीकली 300+ फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे। T20 सीरीज में 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 8 रात्रि 8 बजे अनलॉक कर सकते हैं बिंदा 10 रेफरल यूज करके फ्री प्लान को आप, और बेनिफिट से बहुत सारे प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस बिहार के टॉप एडुकेटर स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास है, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट से, 20+ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मिलेंगे, डेडिकेटेड गाइडेंस होगा। ये अन अकेडमी का मेगा बैच है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि विजय BPSC, लक्ष्य BPSC और टारगेट BPSC है। अनुप कुमार सिन्हा सर है, जो कि एक रेनाउंड फैकल्टी हैं यहाँ पे। ये स्पेशल क्लास है BPSC का। कैसे आप लोग अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं बिंदा 10 रेफरल कोड, और कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं तो वो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब UPPCS 2019 के जो एक साक्षात्कार को और भी बहुत सा अपडेट है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, PCS 2019 के साक्षात्कार 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए क्या है, देखते हैं उसकी खबर। तो मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 28 जनवरी से शुरू होंगे। संपूर्ण साक्षात्कार 18 जनवरी के आयोग की वेबसाइट पर अनुक्रमांक के आधार पर जारी किया जाएगा। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक 2 पाली में हुई थी। मेंस में 4783 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 811 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा में सम्मिलित समान अर्हता के पदों, विशिष्ट अर्हता के पदों, संप्रेक्षण अधिकारी, विधि अधिकारी, ज्येष्ठ गणना विकास पदाधिकारी और पशु चिकित्सा कल्याण पदाधिकारियों की नियमावली में साक्षात्कार का प्रावधान न होने का इसका परिणाम अंतिम चरण के साथ घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट है UPPCS के साक्षात्कार को लेकर, जो कि 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी के लास्ट तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम, एंड वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति।